हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं जेआर ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पे 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th हर क्लास के सभी वीडियो लेक्चर्स कंटिन्यू आ रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड एक प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं गाइस। और इसी के साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मेरा एक ब्लॉगिंग का चैनल, इसका नाम प्रदीप गिरी ब्लॉग, एंड एक दूसरा एजुकेशनल चैनल जिसका नाम है गिरी ट्यूटोरियल, तो वहां भी जाके अपने प्यार की बरसात कर सकते हो। सो दोस्तों, आज केमिस्ट्री में जो टॉपिक हम लेने वाले हैं वो है हमारा डिस्टिलेशन। तो सर, सबसे पहले डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है वो बता दो, फिर इसके बाद आगे समझाओ। तो वही करता हूं मैं, डिस्टिलेशन क्या होता है। डिस्टिलेशन बताओ गाइस, अगर एक लिक्विड है, उस लिक्विड को मैंने हीट दिया, हीट देने के बाद अगर गाइस वो वाटर पेपर में कन्वर्ट हो गया, हीट देने के बाद लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर पेपर में। वाटर पेपर के में वो फिर से हमने कूल किया, ठंडा किया, कंडेंस किया, अगेन वो वाटर पेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। ध्यान से समझना, लिक्विड को क्या दिया, हीट। हीट देने के बाद वो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर पेपर में। अगेन उस वाटर पेपर को हमने क्या किया, कंडेंस किया, या तो आप बोल सकते हो ठंडा किया। ठंडा करने के बाद अगेन वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन। समझ में आया, ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में हम हीट देके लिक्विड को वाटर पेपर में कन्वर्ट करते हैं, अगेन उसको ठंडा करके किस में कन्वर्ट करते हैं, या कंडेंस करके किस में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड में। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन। तो गाइस, डिस्टिलेशन के टॉपिक में पहला टॉपिक जो है हमारा सिंपल डिस्टिलेशन, और सिंपल डिस्टिलेशन में दो पार्ट है, पर आज हम देखने वाले पहला पार्ट। आपको जैसे पता ही है कि जेआर ट्यूटोरियल का हमेशा से रूल ये रहा है कि छोटे छोटे वीडियो बना के एक ही टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करना, तो वही चीजों को आज हम फॉलो करेंगे, वही चीजों को फॉलो किया जा रहा है। तो आज पहला टॉपिक इसके अंदर ये है कि जो वोलाटाइल लिक्विड होता है उसको नॉन वोलाटाइल इंप्यूरिटी से क्या करना है, सेपरेट करना। वोलाटाइल लिक्विड को किससे सेपरेट करना, नॉन वोलाटाइल इंप्यूरिटी से सेपरेट करना। अब आपके मन में क्वेश्चन कि सर ये वोलाटाइल क्या है, तो बताता हूं वोलाटाइल क्या होता है। वोलाटाइल मतलब ऐसा कोई भी कंपोनेंट जिसको हीट देने के बाद वो इवेपोरेट हो रहा है या वाटर पेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऐसे कंपोनेंट को हम वोलाटाइल बोलेंगे। मतलब ऐसा कोई भी कंपोनेंट जिसको हम जब हीट दे रहे हैं तो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो वाटर पेपर में, या तो इवेपोरेट बोल सकते हो, इवेपोरेट हो रहा है, तो ऐसे कंपोनेंट को हम वोलाटाइल बोल रहे हैं। पर अगर ऐसा कोई कंपोनेंट है जिसको हम हीट दे रहे हैं बट वो इवेपोरेट नहीं हो रहा है, वाटर पेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो वैसे कंपोनेंट को हम क्या बोलेंगे, नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट। तो मेरे ख्याल से क्लियरली समझ में आ गया होगा, वोलाटाइल कंपोनेंट मतलब कि हीट देने के बाद वो इवेपोरेट होना, और जो इवेपोरेट नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट। तो गाइस, ऐसे ही नॉन वोलाटाइल इंप्यूरिटीज में से हम वोलाटाइल लिक्विड को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। वोलाटाइल लिक्विड को हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो सेपरेट करने के लिए गाइस, हम पहला जो हमारा प्रोसेस है सिंपल डिस्टिलेशन का, आपको सामने अच्छा खासा डायग्राम दिख रहा होगा। ये डायग्राम में क्या क्या चीजें हमने यूज की मैं बता देता हूँ। राउंड बॉटम फ्लैक्स, ये हमारा राउंड बॉटम फ्लैक्स है जो बना हुआ है। इसके बाद गाइस, ये जो हमारा साइड आर्म है, साइड आर्म के साथ हमने अटैच किया हुआ कंडेंसर। कंडेंसर में दो चीजें है, एक वाटर इनलेट है जहां से ये पानी जाने वाला है, ये देखो, ये यहां से ठंडा पानी अंदर जाएगा, और ये आउटलेट है जिसमें से वाटर बाहर निकलेगा। ओके, ध्यान से समझना, फिर से एक एक चीज समझाता हूँ, नीचे से स्टार्ट करते हैं। ये बर्नर है, ओके, बर्नर पे हमने एक जाली जैसा रखा हुआ है, क्योंकि अगर ये जाली जैसा नहीं रखेंगे तो अगर ये जो बॉटम राउंड बॉटम फ्लास्क है, अगर हम इसको डायरेक्टली बर्नर पे रख देंगे ना, पुट जाएगा फिर, इसीलिए इसके ऊपर हमने जाली जैसा एक चीज रखा है। और रखने के बाद इसके ऊपर हमने क्या रखा है, राउंड बॉटम फ्लैक्स रखा हुआ है, और ये राउंड बॉटम फ्लैक्स के साथ दो एक साइड आर्म अटैच है, और साइड आर्म के दोनों साइड, मतलब साइड आर्म्स के साथ हमने अटैच किया हुआ कंडेंसर को। कंडेंसर में एक वाटर इनलेट है, एक वाटर आउटलेट है, और इसके बाद ये साइड आर्म्स को हमने यहाँ कनेक्ट किया हुआ है एक और बिग कॉनिकल फ्लैक्स के साथ। कॉनिकल फ्लैक्स में क्या इकट्ठा होने वाला बताने वाला, और कॉनिकल फ्लैक्स को हमने किसके साथ अटैच किया हुआ, स्टैंड के साथ रखा हुआ है। ओके, और ये जो हमारा राउंड बॉटम फ्लैक्स है उसको हमने रबर कॉर्क से क्या किया, बंद करके रखा हुआ है, और इसी के अंदर हमने एक थर्मामीटर भी अटैच किया जिससे हमें टेम्परेचर पता चले। और गाइस, इसके अंदर राउंड बॉटम फ्लैक्स के अंदर आपको पता है क्या हम डालेंगे, ऐसा सॉल्यूशन डालने वाला है जिस सॉल्यूशन के अंदर वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल इंप्यूरिटीज एंड वोलाटाइल लिक्विड दोनों चीजें हो, ऐसा सॉल्यूशन है इस बॉटम फ्लैक्स के। राउंड बॉटम फ्लैक्स, राउंड है ना, ये राउंड है इसलिए इसका नाम होता है राउंड बॉटम फ्लैक्स, ये कॉनिकल है इसलिए इसका नाम होता है कॉनिकल फ्लैक्स। ओके, तो क्लियरली गाइज आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और बता देते हैं हम, ये हमारा बर्नर जिससे हम हीट देंगे,
ओके ये राउंड बॉटम फ्लक्स इसके अंदर सॉल्यूशन है, कौन सा सॉल्यूशन है, वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल इंप्यूरिटी टोटल इसके अंदर है। फिर इसके बाद इसको अटैच किया हुआ है हमारे किसे, साइड आर्म्स, साइड आर्म अटैच है और साइड आर्म के साथ कनेक्टेड है हमारा, मतलब साइड आर्म्स के एक एंड पे हमने रखा हुआ है कॉनिकल फ्लैक्स, और कॉनिकल फ्लैक्स को किसके हेल्प से हमने रखा हुआ है, स्टैंड के हेल्प से। ओके ये होल्डर इसके साथ लगा हुआ है, और साथ ही ये जो है, ये जो हमारा साइड आर्म है उसके इधर हमने कंडेंसर अटैच किया हुआ है। कंडेंसर में क्या होगा, वाटर इनलेट अंदर जाएगा और यहाँ से वाटर आउटलेट बाहर जाएगा। अब कौन सी चीज़ें क्या करने वाली, सब चीज़ें मैं बताने वाला, अब ध्यान से समझना ये प्रोसेस किस तरह से होता है, इस प्रोसेस में क्या क्या होता है, बहुत सिंपल है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग यूज करोगे कि मैंने डिस्टिलेशन में क्या बताया, डिस्टिलेशन में क्या होता है कि सबसे पहले उसको क्या किया जाता है, उसको लिक्विड को वाटर वेपर में कन्वर्ट किया जाता है, देन अगेन वाटर वेपर को ठंडा करके क्या कन्वर्ट, किस में फिर से रिकन्वर्ट किया जाता है, लिक्विड में। इसी प्रोसेस को हम डिस्टिलेशन बोलते हैं। तो सेम वैसे ही होने वाला है, कुछ भी अलग नहीं। हमने क्या किया, यहाँ से हीट दिया, इसके अंदर एक सॉल्यूशन है जिस सॉल्यूशन के अंदर वोलाटाइल लिक्विड है एंड नॉन वोलाटाइल लिक्विड है। जैसे ही मैं हीट करूंगा तो आप सभी को पता है कि जो नॉन वोलाटाइल इम्प्यूरिटी है, सॉरी मैंने लिक्विड बोला, नॉन वोलाटाइल इम्प्यूरिटी है, उस वो ऑपरेट तो होने वाला नहीं क्योंकि वो नॉन वोलाटाइल है। मैंने आपको बताया कि नॉन वोलाटाइल ऑपरेट नहीं होता, तो ऑपरेट कौन होने वाला है, जो वोलाटाइल लिक्विड होगा, क्योंकि इसको ही मुझे इसमें से क्या करना है, सेपरेट करना है। तो इसके अंदर वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल दोनों चीजें, तो वोलाटाइल जैसे हम हीट देंगे एक टेम्परेचर पे आके वोलाटाइल क्या होने लगेगा, ये ऑपरेट होने लगेगा, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर ऐसे 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 यहाँ आने लगेगा। जैसे गाइस वो यहाँ आएगा तो हमने यहाँ कंडेंसर लगाया, वो कंडेंसर क्या करेगा, इस वाटर वेपर को री अगेन कन्वर्ट करेगा। ये वाटर वेपर था, ये ऑपरेट होके आ रहा था, तो यहाँ से तो हमने बंद करके रखा है, तो इसको जगह यहाँ मिला। देन अगेन हमने जो ये कंडेंसर लगाया हुआ है, कंडेंसर कैसे, इसमें वाटर यहाँ से वाटर इनलेट है, यहाँ से वाटर जा रहा है और यहाँ से वाटर वापस निकल रहा है, मतलब इसके कारण इस पाइप को हम क्या कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं। पहले ये गर्म दिया, देन अगेन ठंडा कर रहे, तो इसके अंदर से वाटर वेपर था, वाटर वेपर क्या हो गया, कंडेंस हो गया, कंडेंस होके वापस फिर से क्या बन गया, लिक्विड बन गया, और लिक्विड को फिर से हमने क्या किया, यहाँ इकट्ठा कर दिया, और यहाँ इकट्ठा करने का हमें क्या मिलेगा, प्योर वोलाटाइल लिक्विड, क्योंकि वोलाटाइल ही ऑपरेट हुआ। आपको सभी को समझ में आएगा कि ये ऑपरेट कौन हुआ, वोलाटाइल, तो वोलाटाइल ये यहाँ आया, वाटर पेपर में कन्वर्ट हुआ, यहाँ कंडेंसर से हमने क्या किया, उसको ठंडा किया, ठंडा करने के बाद वो ठंडा होने के बाद जैसे फिर से लिक्विड बन गया, और लिक्विड बन के ये जो हमारा कॉनिकल फ्लैक्स है इसमें आके क्या हो गया, इकट्ठा हो गया। तो यही एक सिंपल सा प्रोसेस है, इस तरह से हम वोलाटाइल लिक्विड को नॉन वोलाटाइल इम्प्यूरिटी से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है इसके अंदर, इतना हार्ड। समझ में आया, कॉनिकल फ्लैक्स के अंदर दोनों सॉल्यूशन है, गर्म किया, गर्म करने का वोलाटाइल तो नहीं, और इसके कारण यहाँ वोलाटाइल लिक्विड यहाँ इकट्ठा हो जाएगा और यहाँ क्या बचा रहेगा, नॉन वोलाटाइल इम्प्यूरिटीज। हो गया क्लियर, हमने हीट दिया, हीट देने के बाद क्या हुआ, वोलाटाइल लिक्विड गर्म हो गया, धीरे 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 यहाँ आते ही कंडेंस हो गया, ठंडा हो गया, क्योंकि हमने यहाँ कंडेंसर लगा हुआ है जिसके कारण कंटिन्यू वाटर इनलेट और आउटलेट हो रहा है, मतलब पानी ये आर्म्स को क्या कर रहा है, ठंडा कर रहा है, जिसके कारण वाटर वेपर फिर से क्या किस में बन जाएगा, लिक्विड में बन जाएगा, और आराम से ये कॉनिकल फ्लैक्स के अंदर हमें क्या मिलेगा, वोलाटाइल लिक्विड। तो गाइस ये पूरा प्रोसेस है, सिंपल डिस्टिलेशन का एक पार्ट मैंने पूरी तरह से बता दिया। अगर आप चाहिए तो आप एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे आप क्लियरली पूरी तरह से बहुत अच्छे से लिख सकते हो। सो गाइस ये पूरा प्रोसेस है, अगर आपको समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। गाइस थैंक यू सो मच, एंड सबसे बड़ी बात, अपना ध्यान रखो। जय हिंद दोस्तों।